गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी आगे बढ़ते हैं अपन पॉइंट नंबर 1.9 यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, जनरली यूजर्स ऑफ अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इंटरनल मैनेजमेंट एंड ओनर्स, इंटरनल मैनेजमेंट और ओनर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स और आउटसाइडर्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग सच इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स। इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द आउटसाइडर्स आउटसाइड यूजर्स आर जनरली सर्व्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना वो इंटरनल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, और आउटसाइडर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए। ठीक है, देखो मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या रीजन से हम प्रॉफिट कर रहे हैं, क्या क्या रीजन से हम लॉस कर रहे हैं। ठीक है, मैनेजमेंट को ये सब चीज़ों से कंसर्न होता है। और आउटसाइडर्स को एक ही चीज़ चाहिए होती है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर प्रॉफिट कर रही है तो ही हम इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट कर रही है तो ही हम बैंक वाले उनको लोन देंगे। ठीक है ना, प्रॉफिट कर रही है कंपनी बराबर चल रही है तो ही क्रेडिटर जो सप्लायर होते हैं वो माल बराबर देंगे, प्रॉफिट कर रही है तो ही लोग वहाँ पे काम करेंगे। ठीक है ना, तो आउटसाइडर्स को खाली प्रॉफिट के एंगल से वो लोग ज़्यादातर देखते हैं। ठीक है ना, लेकिन इंटरनल मैनेजमेंट को लॉन्ग टर्म व्यू से देखना पड़ता है कि क्या कर रहे हैं अपन बिजनेस के साथ, कहाँ कहाँ गलती हो रही है वो सब। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है वो इंटरनल के लिए है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है वो आउटसाइडर्स के लिए। ठीक है, चलो। फॉलोइंग आर द वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स, ओके, दे प्रोवाइड रिस्क कैपिटल टू द बिजनेस। क्या देते हैं वो लोग, रिस्क कैपिटल देते हैं। अगर रिस्क होता है तो उनका कैपिटल चला जाता है बिजनेस से। ठीक है ना, वो रिस्क लेने को तैयार है अपने पैसे से। दे नीड इन्फॉर्मेशन टू असेस वेदर टू बाय, होल्ड और सेल देयर इन्वेस्टमेंट। ऑल्सो दे आर इंटरेस्टेड टू नो द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्वाइव, प्रॉस्पर एंड टू पे डिविडेंड। क्या उनका एबिलिटी क्या चाहिए, वो क्या चेक करते हैं एबिलिटी बिजनेस की, कि वो सर्वाइव करेगा, वो प्रॉस्पर करेगा और डिविडेंड देगा। ठीक है, इन नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर वेयर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर नॉट एसेंशियली सेपरेटेड, द ओनर्स स्टिल नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड इट्स फाइनेंशियल पोजिशन टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू और शट। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर है ना तो वहाँ पे ओनर को क्या चाहिए कि भाई ये बिजनेस चलाऊ कि ना चलाऊ, कंटिन्यू करूँ कि ना करूँ। ठीक है ना, क्योंकि अगर प्रॉफिट है, प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है, तो कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज, ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयरफॉर दे आर इंटरेस्टेड टू नो स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज एंड इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड रेम्यूनरेशन, रिटायरमेंट एंड अदर बेनिफिट्स एंड टू एनहांस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉय कहाँ पे काम करेगा, कोई भी आदमी जॉब ढूंढने जाएगा तो क्या चेक करेगा कि भाई कंपनी स्टेबल है क्या, कंटिन्यूसली कंपनी ग्रो कर रही है क्या, जो भी उनको सैलरी वगैरह मिल रही है तो उनको बराबर सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सैलरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, और आगे जाके ऐसा तो नहीं है ना कि ये कंपनी में ग्रोथ नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट ऐसा है कि जहाँ पर एम्प्लॉय को जो काम पे जॉब पे रखा गया तो वही काम उसको हर साल करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट, लेंडर्स जो लोन दे रहे हैं, ठीक है ना, तो दे आर इंटरेस्टेड टू नो वेदर लोन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट विल बी पेड वेन ड्यू, जब ड्यू हो गया, डेट आ गई, ठीक है ना, पेमेंट की डेट आ गई, तो उनके लेंडर्स क्या चेक करेंगे कि लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है और लोन का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है वो दोनों पेमेंट होगा कि नहीं होगा। उसके बाद आता है सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू पे देयर ड्यूज, दैट हेल्प्स देम टू डिसाइड द क्रेडिट पॉलिसी फॉर द रिलेवेंट कंसर्न, रेट्स टू बी चार्ज एंड सो ऑन। देखो, कोई भी कंपनी है जहाँ उसका फाइनेंशियली को स्टेबल है, ठीक है ना, तो वो कभी भी उसका पेमेंट वगैरह जो है वो रेगुलर करेगी। ठीक है, तो जब रेगुलर पेमेंट हो रहा है तो सप्लायर को भी बिजनेस करने के लिए एक एक्साइटमेंट क्रिएट होगा कि चलो ये कंपनी में जाके अपन इनके साथ बिजनेस करते हैं, इनको गुड्स सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है ना, जब रेगुलर पेमेंट आता है तो आदमी रेट भी बराबर चार्ज करेगा, अगर रेगुलर पेमेंट नहीं आता है कहीं से तो आदमी रेट चार्ज ज़्यादा करता है। ठीक है ना, रिस्क, क्योंकि उसका भी रिस्क है, उसका भी पैसा फंस जाता है वहाँ पे, तो पैसे के साथ कभी भी पैसा जो होता है उसका कॉस्ट होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट होता है। अगर आप डेट देते हो तो मेरा पैसा कहीं पे फंस गया, कंपनी का पैसा कहीं पे फंस गया, तो वो पैसा उसको क्या होता है कि वहाँ पे उसको अगर वो जहाँ से फंसा हुआ है उधर से निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करेगा तो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाएगा वो, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, समटाइम्स दे ऑल्सो बिकम इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म कंटिन्यूशन ऑफ द एंटरप्राइज इफ देयर एग्जिस्टेंस बिकम्स डिपेंडेंट ऑन द सर्वाइवल ऑफ दैट बिजनेस। काफ़ी बार कैसा होता है ना कि सप्लायर
के सप्लायर को कंपनी बोल देती है कि तुम्हारा जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी गुड्स है, वो सब हमें ही चाहिए और किसी को आपको देना नहीं है, ठीक है। तो ये कैसी चीज़ हो गई कि अब ये जो सप्लायर है ना, वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो गया ये बिजनेसमैन के ऊपर, पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो गया, उसका सर्वाइवल वहाँ पर डिपेंडेंट है। तो वो लॉन्ग टर्म कंटिन्यूएशन चेक करेगा कि ये कंपनी के साथ काम करूँ कि ना करूँ। सपोज स्मॉल एंसिलरी यूनिट सप्लाइज देयर प्रोडक्ट्स टू अ बिग एंटरप्राइज, इफ द बिग एंटरप्राइज कोलैप्सेस द फेट ऑफ द स्मॉल यूनिट ऑल्सो बिकम्स सील्ड। मतलब कि अगर कोई छोटा कंपनी है, ठीक है ना, वो कोई बड़ी कंपनी को सप्लाई कर रहा है, वो बड़ी कंपनी डूबेगी, वो बड़ी कंपनी डूबेगी तो उसके साथ ये छोटे मोटे जो भी सप्लायर होते हैं ना, वो सब भी डूब जाते हैं, वो भी सील हो जाता है, उनका बिजनेस भी सील हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर्स। कस्टमर्स आर ऑल्सो कंसर्न विद द स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज बिकॉज देयर फंक्शनिंग इज मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स। सपोज अ कंपनी प्रोड्यूसेस सम केमिकल यूज बाई फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड सप्लाईज केमिकल्स ऑन 3 months क्रेडिट। If all of a sudden it faces some trouble and is unable to supply the chemical, the customer will also be in trouble. देखो customer भी है ना, product पे dependent हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे customer भी ये check करेगा कि ये क्या ये company stable है कि नहीं, profitable है कि नहीं। रेगुलर यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है फार्मास्यूटिकल कंपनी का, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाई की कंपनी है, ठीक है, वो कहीं कोई केमिकल खरीद रही है 3 महीने के क्रेडिट पीरियड के बाद, ठीक है। और अगर वो कुछ प्रॉब्लम में आ जाती है, अगर वो कंपनी कुछ प्रॉब्लम में आ जाती है तो उस टाइम पे उनको 3 महीने तक दवाई नहीं मिलेगी, और दवाई नहीं मिलेगी तो बहुत ट्रबल क्रिएट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसा ये एक बेसिक एग्जांपल है, लेकिन कस्टमर बहुत तरह से अगर एप्पल का प्रोडक्ट की बात करो, ठीक है ना, एप्पल का आईफोन खरीदा है तो आईफोन वगैरह जो प्रोडक्ट है तो उसके अंदर कैसा होता है ना कि अभी तो उन लोगों ने चार्जर यूनिक कर दिया सबकी, मतलब सब कॉमन चार्जर कर दिया, सॉरी चार्जर कॉमन है, लेकिन प्रीवियसली जब आईफोन लॉन्च होता था ना तो हर मॉडल के साथ में चार्जर यूनिक आता था उसका, ठीक है ना। तो वो केस में कैसा होता था ना कि कस्टमर को अगर कंपनी बंद हो जाती है तो चार्जर भी मिलना बंद हो जाएगा, तो उनका फ़ोन ख़राब हो जाएगा, उनका काम खराब हो जाएगा। एक फ़ोन के कहते हैं कि एक फ़ोन है, लेकिन फ़ोन के अंदर सबका कितना डेटाबेस वगैरह रहता है, ठीक है। तो उस तरह से कस्टमर एक तरह से डिपेंडेंट होता है, तो कस्टमर भी ये चेक करता है कि कंपनी स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, दे रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर पब्लिक गुड, एलोकेट स्केर्स रिसोर्सेज अमंग कंपीटिंग एंटरप्राइजेस, कंट्रोल प्राइसेस, चार्ज एक्साइज ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एंड सो दे हैव कंटिन्यूड इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज। गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज जो होती है ना, वो उनका बेसिक काम क्या होता है कि पब्लिक गुड करने का, पब्लिक के साथ जो सही है अच्छा है वो करने का, ठीक है। उसके बाद एलोकेट स्केर्स रिसोर्सेज, जो भी देखो सोसाइटी में एक लेवल तक रिसोर्सेज है ना स्केर्स होता है, एक लेवल तक अवेलेबिलिटी होता है पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है ना, कि जो जितनी जमीन है तो जमीन कभी बढ़ने वाली नहीं है, तो उसमें जो एग्रीकल्चरिंग होता है, ठीक है, उधर से जो फूड प्रोडक्ट्स आते हैं तो उतना ही एक पर्टिकुलर पीरियड में आएगा, लेकिन जो खाने वाले हैं वो भी डिसाइडेड है, तो स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे वो लोग डिवाइड करेंगे अमंग कॉम्पिटिंग एंटरप्राइजेस, के जो कॉम्पिटिंग एंटरप्राइजेस है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का क्या क्या रेट होंगे वो सब कंट्रोल होता है, ठीक है। उसके बाद प्राइस उनको कंट्रोल करना होता है, ठीक है। फिर एक्साइज ड्यूटी, जो चीज़ें लग्जरी आइटम्स में चली जाती है, जहाँ पर चीज़ें अपर लेवल क्लास के लिए आती है, मतलब केक होता है बेसिक नेसेसिटीज होता है, और फिर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास वगैरह के लिए जो चीज़ होती है तो वहाँ पे टैक्सेस लगना चालू होता है। बेसिक नेसेसिटी पे कभी टैक्स नहीं होता है, फूड आइटम्स वगैरह पे कभी टैक्स नहीं होता है, ठीक है। एंड टैक्सेस, एंड सो दे हैव कंटिन्यूड इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज। इसी तरह से गवर्नमेंट को भी कंटिन्यू इंटरेस्ट होता है बिजनेस एंटरप्राइज में बिजनेस के अकाउंटिंग को जानने के लिए। लास्ट में आता है पब्लिक एट लार्ज, तो पब्लिक एट लार्ज इज इंटरेस्टेड इन द फंक्शनिंग ऑफ एंटरप्राइज बिकॉज इट मे मेक अ सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी इन मेनी वेज, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड देयर पेट्रोनेज टू लोकल सप्लाइज। काफी बार ऐसा होता है ना, छोटे छोटे टाउन में कोई बड़ी कंपनी आके पूरा प्रोजेक्ट वगैरह डालती है, ठीक है। अब कैसा हो जाता है कि वो कंपनी है ना, तो वो टाउन में लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, वो फैक्ट्री डालने के लिए काफी बार वो बड़ी कंपनी ने सारी की सारी जमीन वगैरह खरीद ली होती है, वहाँ की सारी की सारी जमीन वगैरह खरीद ली होती है, ठीक है ना। तो अब ये पब्लिक एट लार्ज को भी वहाँ पर एक कंपनी के ऊपर वो लोग डिपेंडेंट है कि अगर ये कंपनी ने उधर के लोकल पीपल ने अपनी जमीन उसको फैक्ट्री बनाने के लिए इंडस्ट्री डालने के लिए दे दिया है, ठीक है, अब वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जॉब मिलता है, ठीक है। अगर वो कंपनी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो सोसाइटी में इकोनॉमी में बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा,
ठीक है। तो लोकल लोग, लोकल पब्लिक एट लार्ज के लिए भी ये इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज अ होल इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ फॉर वेरियस मैनेजरियल डिसीजंस। ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स मैनेजमेंट डिटरमाइंस द इफेक्ट्स ऑफ देयर वेरियस डिसीजंस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस हेल्प्स देम टू मेक फर्दर मैनेजरियल डिसीजन। जैसे ही डेटाबेस तैयार हो जाता है, आदमी मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट जो होता है वो डिसाइड करेगा, ठीक है, कि जो भी एक्शन लेने हैं, क्या एक्शन लेने हैं, क्या एक्शन नहीं लेना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन। रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन क्या बोलता है? अकाउंटिंग इज क्लोजली रिलेटेड विद सेवरल अदर डिसिप्लिन एंड दस टू एक्वायर अ गुड नॉलेज इन अकाउंटिंग वन शुड बी कन्वर्जेंट विद द रिलेवेंट पोर्शंस ऑफ सच डिसिप्लिन। इन मेनी केसेस दे ओवरलैप अकाउंटिंग, दे ओवरलैप अकाउंटिंग। द अकाउंटेंट शुड हैव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ द रिलेटेड डिसिप्लिन सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड सच ओवरलैपिंग एरियाज एंड अप्लाई द नॉलेज ऑफ अदर डिसिप्लिन इन हिज ओन वर्क वेर एवर पॉसिबल और ही कैन टेक द एक्सपर्ट एडवाइस। ठीक है, देखो काफी बार हम पढ़ाई करते हैं ना, तो एज ए ह्यूमर हम लोग एक चीज देखते हैं कि उसमें काफी सारा एक जोक आया था कि एक टीचर पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही पढ़ाता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही पढ़ाता है, लेकिन एक स्टूडेंट जो छोटा बच्चा है उसको एक साथ सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा था कि वहाँ पे स्टूडेंट को 7-8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, और टीचर तो होता है तो वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही माहिर होता है, तो वही सिखाता है। लेकिन देखो क्यों होता है वो यहाँ पे समझते हैं, वो एज ए ह्यूमर वो चीज़ सही है, लेकिन पढ़ाई के एंगल से, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के एंगल से, ठीक है, सोसाइटी में एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए आप एक इंसान को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अदर डिसिप्लिन्स आर कनेक्टेड, सेवरल अदर डिसिप्लिन्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है तो क्या रिलेशनशिप है वो थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक इज यूज्ड एज अ साइंस ऑफ रेशनल डिसीजन मेकिंग अबाउट द यूज ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज। इट इज कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। दिस मे बी व्यूड आइदर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ सिंगल फर्म और ऑफ द कंट्री एज अ होल। देखो इकोनॉमिक क्या देखता है पता है, वो रेशनल डिसीजन मेकिंग करता है और यूज ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है ना, उसमें से लोग कितने ज्यादा मैक्सिमम लोगों को फायदा पहुंचे, कितने मैक्सिमम लोगों को फायदा पहुंचे, उसके बेसिस पे वो लोग इकोनॉमिस्ट जो होता है ना वो डिसाइड करता है। ठीक है, वो क्या एनालिसिस करता है? एफिशियंट यूज ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। दीज मे बी व्यूड Either from the perspective of a single firm, एक single firm की comparison होती है, या तो पूरे country as a whole, ठीक है? Accounting is viewed as a system which provides data to the users to permit informed judgment and decision. Some non-accounting data are also relevant for decision making. Still, accounting provides a major database. ठीक है, accounting क्या देता है? हमको database देता है, और वो database का बाद में economist analysis करता है। ठीक है, accounting overlaps economics in many respects. It contributed a lot in improving the management decision-making process, but economic theories influence the development of the decision-making tools used in accounting. Okay? However, there exists a wide gulf between economist and accountant concept of income and capital. Accountant got the idea of value, income and capital maintenance from economist, but brushed suitably to make them usable in practical circumstances. An accountant developed the valuation measurement and decision making, the technique which made owe to the economic theorem of origin. But these are molded in the work environment and suitably tempered with reference to relevance, verifiability, freedom from bias, timeliness, comparability, reliability and understandability. ये बहुत technical term थे सारे के सारे, ठीक है, थोड़ा basic level पे जाके समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि इकोनॉमिक इज अ सेपरेट सब्जेक्ट फॉर यू पीपल, ठीक है, वहां पे जैसे ही पढ़ाई चालू करोगे तो आपको काफी सारा रिलेशनशिप समझ में आने लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं। से फॉर एग्जांपल एक फैमिली में चार लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें सबका एवरेज इनकम 25,000 रुपए है, तो महीने का इनकम उस फैमिली का हो गया 1,00,000 रुपए, ठीक है, अभी आगे का पार्ट समझो, ठीक है, कि एक दूसरा फैमिली है, वहां पे सिर्फ दो लोग काम कर रहे हैं,
चार लोग है पूरे फैमिली में, चार लोग है लेकिन दो लोग ही काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो दो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक आदमी का इनकम 80,000 है, दूसरे का 20,000 है, एक का 80 है दूसरे का 20 है। अब देखो प्रैक्टिकली समझो कि जिस फैमिली में चार लोगों में से सिर्फ दो लोग कमा रहे हैं और इसमें एक आदमी का इनकम बहुत मेजर है, 80,000 वो कमा रहा है, अगर उस आदमी की इनकम को कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो फैमिली को फाइनेंशियली सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन दूसरा जो फैमिली है जहाँ पे चारों लोग कमा रहे हैं, चारों का एवरेज इनकम 25,000 रुपये है, उनका भी इनकम महीने का लाख है, जो दूसरा फैमिली है उनका भी इनकम महीने का लाख रुपये है, ठीक है ना। तो ये जो दो डिस्पैरिटीज है, एक जगह पे इनकम एक आदमी सिर्फ 80,000 कमा रहा है, दूसरा 20,000 कमा रहा है, बाकी के दो लोग का कोई इनकम नहीं है, दूसरे पार्ट में चारों लोग कमा रहे हैं, चारों का एवरेज इनकम 25,000 है, तो उस फैमिली अगर किसी एक आदमी की इनकम को इफेक्ट करेगा, तो डेफिनेटली उस फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना, उस फैमिली को पूरा फैमिली आराम से सर्वाइव कर पाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक आदमी को बेसिक खाने के लिए दिन में चार रोटी चाहिए एक दोपहर के लंच के टाइम पे, ठीक है, और साथ में उसको 50 ग्राम चावल चाहिए, राइस चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखो एक आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये एवरेज पकड़ रहा हूँ मैं, कोई चार से चपाती ज्यादा भी खाएगा, कोई राइस ज्यादा खाएगा, ठीक है, मैं एवरेज पकड़ रहा हूँ कि एक आदमी चार चपाती खाता है लंच में और 50 ग्राम ऑफ राइस खाता है, ठीक है। तो अब देखो इस हिसाब से पूरे घर में कितना ग्रेन्स चाहिए रहेगा, पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में कितना चाहिए रहेगा, ठीक है। अब एक घर की बात कर रहे हो तो अब एक बिल्डिंग का कैलकुलेशन होगा, फिर पूरी सोसाइटी का कैलकुलेशन होगा, अब पूरी सोसाइटी का कैलकुलेशन करके पूरे टाउन का कैलकुलेशन होगा। समझ में आ रहा है लॉजिक कि जैसे जैसे डिवाइड के एक छोटा सा टुकड़ा है, एक आदमी बोलता है मुझे तो खाली 50 ग्राम चावल चाहिए, मैं तो सिर्फ चार रोटी खाता हूँ एक दिन, अरे भाई तू चार रोटी खा रहा है लेकिन तेरा फैमिली में पांच लोग है तो एक टाइम पे 20 रोटियां चाहिए तुम लोगों को बनाने के लिए। एक फैमिली है, अब एक फैमिली में 20 रोटी चाहिए लेकिन पूरे बिल्डिंग को मिलाओ तो पूरे बिल्डिंग में 20 फ्लैट्स है तो 20 फ्लैट्स में सब लोगों को 20-20 रोटी तो वो पूरे बिल्डिंग में 400 रोटी चाहिए। और पूरी सोसाइटी में 200 फ्लैट है तो 200 फ्लैट इंटू चार करोगे तो 800 रोटी चाहिए। तो इस तरह से अब देखो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज तो स्केयर्स है, जमीन तो जितनी है उतनी है, उसमें उन लोगों को एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, तो उनको प्रमोट करना पड़ता है कि भाई पर्टिकुलर क्वांटिटी का वीट चाहिए, पर्टिकुलर क्वांटिटी का राइस चाहिए, ठीक है। तो काफी बार हम सुनते रहते हैं कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स को हेल्प किया है, ये है वो है ऐसा, तो उसमें कैसा होता है ना कि अगर पर्टिकुलर क्वांटिटी का ग्रेन्स नहीं मिलता है तो सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए फर्स्ट चीज क्या चाहिए, डेटा बेस चाहिए गवर्नमेंट को, तो वो अकाउंट इकट्ठा करके दे देगा कि भाई एक आदमी चार रोटी खाता है, एक घर में चार लोग है तो 16 रोटियां चाहिए, फिर पूरे बिल्डिंग में कितनी रोटियां चाहिए, ऐसा करके पूरा एग्जाम्पल पूरा डेटा बेस तैयार करके दे देगा, ठीक है। अब इकोनॉमिस्ट क्या करेगा, वो चेक करेगा, वो कंपेयर करेगा अवेलेबिलिटी के साथ में, रिक्वायरमेंट को, डिमांड को अवेलेबिलिटी के साथ में चेक करेगा, ठीक है, और वो फिर उसमें एडजस्टमेंट करेगा, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। एन एग्जाम्पल मे बी गिवन टू एक्सप्लेन द नेक्सस बिटवीन अकाउंटिंग एंड इकोनॉमी। इकोनॉमिस्ट थिंक्स द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर अर्निंग्स विच कैन बी डिराइव फ्रॉम सच एसेट्स। इकोनॉमिक थिंक द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर अर्निंग्स विच कैन बी डिराइव फ्रॉम सच एसेट्स। फ्यूचर अर्निंग कोई भी एसेट है, कोई भी चीज आपके पास है, उसमें से फ्यूचर में आप कितना कमाने वाले हो और उसकी आज में कितनी वैल्यू होगी, आज के दिन में कितनी वैल्यू होगी, वो इकोनॉमिस्ट डिसाइड करता है, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट अ प्लांट हुज वर्किंग लाइफ इज मोर देन 100 ईयर्स, ठीक है, एक प्लांट है जिसकी वर्किंग लाइफ 100 ईयर है। हाउ कैन यू एस्टिमेट फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ अर्निंग, उसका फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ अर्निंग कैसे एस्टिमेट करोगे। सो द अकाउंटेंट डेवलप्स द वर्केबल वैल्यूएशन बेस the acquisition cost, that is the price paid to acquire the assets. Accountant क्या करेगा, उसकी workable valuation करेगा, उसको उसका cost वगैरह निकाल के देगा, ठीक है। आगे at the macro level, accounting provides the database over which the economic decision model have been developed. Micro level data arranged by the accounting system is summed up to get macro level database, ठीक है।
नॉन ओवरलैपिंग जोन ऑफ अकाउंटिंग आर नॉट नेग्लिजिबल. Developments of the system of recording, classifying and summarizing transactions and events, harmonizing the system of uniform by uniform rules and communicating the data is essential in a non-overlapping area of accounting. समझ में आ रहा है कि ये जो non-overlapping part था कि भाई यहाँ पे कैसा था कि accounting का database economist use करेगा, accounting का department database economics use करेगा. ठीक है, तो उसको क्या कर दिया, हार्मोनाइजिंग द सिस्टम बाय यूनिफॉर्म रूल्स, अकाउंटिंग के डेटाबेस को यूनिफॉर्म कर दिया. ठीक है, कि जो जो सबसे अच्छा लग रहा है, सबसे सही लग रहा है, तो उसके बेसिस पे काम करेंगे. ओके, नेक्स्ट, अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स. द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन अकाउंटिंग कैन बी अप्रिशिएटेड बेटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज वेरी प्रिसाइज, इट इज एग्जैक्ट टू द लास्ट पैसा, बट for decision making purposes such precision is not necessary and hence the statistical approximation are sought. Account mein dekho, account mein kabhi bhi ek paisa ka hisab bhi rakhna padta hai, ek paise ka hisab bhi rakhna padta hai. Theek hai na, kahin se aapko paisa aa raha hai, kahin se aapke paas se paisa ja raha hai, to usi tarah balance sheet tally ho jata hai. उसी तरह बैलेंस शीट का टैली होने का रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं से पैसा आया है, कहीं ना कहीं पे पैसा गया है. ठीक है, वो दोनों चीज़ों को जब आप लिख देते हो, दोनों चीज़ों को लिख देते हो, तो वो इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होना ही चाहिए. ठीक है ना, तो वो स्टेटिस्टिक्स में अप्रोक्सीमेशन के बेस पे चलना पड़ता है कि भाई अप्रोक्सीमेट, हर आदमी चार रोटी खा रहा है. ठीक है ना, कोई पाँच भी खा रहा है तो कोई दो खा रहा है रोटी. ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेशन है, चार रोटी वाला एग्जाम्पल. ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे काफी बार इकोनॉमिक्स वगैरह का जो डेफिनेशन वगैरह बता रहा हूँ ना, तो ये मेजरली जो लोग 11th और 12th कॉमर्स फील्ड से पढ़ के आए हैं, कॉमर्स फील्ड से जो लोग पढ़ के आए हैं, उन लोगों को इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स का काफी हद तक आइडिया होगा, बिकॉज उन लोगों ने वहां पे पढ़ा होगा. लेकिन जो लोग अदर बैकग्राउंड से, साइंस वगैरह के बैकग्राउंड से, और जिनको इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स का काफी हद तक आइडिया नहीं होता कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वगैरह कहाँ पे होगा, तो उनके लिए थोड़ा ये एक्सप्लेनेशन में ज्यादा कर रहा हूँ. ठीक है, ओके, चलो आगे. बट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सॉरी ये पार्ट हो गया अपना. ठीक है ना, तो भाई स्टेटिस्टिकल पार्ट अप्रोक्सीमेशन के बेस पे काम कर रहा है. ओके, आगे, इन अकाउंट्स ऑल वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट इंडिविजुअली बिकॉज दे रिलेट टू बिजनेस ट्रांजेक्शन. एज अगेंस्ट दिस, स्टेटिस्टिक्स इज कंसर्न विद द टिपिकल वैल्यू बिहेवियर और ट्रेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और द डिग्री ऑफ वेरिएशन ओवर अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन. देयरफॉर व्हेरेवर अ नीड अराइजेस फॉर ओनली ब्रॉड जनरलाइजेशन और द एवरेज ऑफ रिलेशनशिप, स्टेटिस्टिकल मेथड्स हैव टू बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग डेटा. देखो, डेटा कौन दे रहा है, अकाउंटिंग दे रहा है. डेटा कौन दे रहा है, अकाउंटिंग दे रहा है. उसके ऊपर इकोनॉमिक्स वाले भी यूज करेंगे, उनको स्टेटिस्टिक्स वाले भी यूज कर रहे हैं. ठीक है ना, तो वहां पे सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन, वेरिएशन ओवर अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है ना, अब देखो कैसा हो गया कि डिमांड पता चल गई अपने को कि लोग कितना चपाती खा रहे हैं, कितना राइस खा रहे हैं, वो डिमांड पता चल गई. लेकिन बारिश कम हो गई एक बार और एग्रीकल्चर क्रॉप्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया है कि वहां पर जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं होने वाला है, जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं होने वाला है. तो गवर्नमेंट क्या करेगा, जो अवेलेबल रिसोर्सेज रहेगा, जो अवेलेबल रिसोर्सेज मैक्सिमम क्वांटिटी में रहेगा, उसका रेट कम कर देगा. ठीक है ना, और जैसे ही उसका रेट कम हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक पीपल जो है ना, मैक्सिमम पीपल वो कम रेट वाली चीज खाना चालू कर देंगे, तो अपने आप वो बैलेंस क्रिएट होने लगेगा. ठीक है ना, चलो. फर्दर इन अकाउंटेंसी द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज वेल एज द हेड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर हैज बीन डन एज पर द नीड्स ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग टू एसर्टेन फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ वेरियस ऑपरेशन. अदर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन लाइक जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल वंस एंड एड हॉक क्लासिफिकेशन आर डन डिपेंडिंग ऑन द पर्पज टू मेक सच क्लासिफिकेशन मीनिंगफुल. देखो, अकाउंटिंग में एसेट्स और लायबिलिटी जो होता है ना, वो फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग के बेस पे डिफाइन किया जाता है. ठीक है, फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग के बेस पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स उसका क्या आ रहा है वो देखने के लिए. ठीक है, लेकिन बाकी अदर क्लासिफिकेशन जो होता है, ज्योग्राफिकल या हिस्टोरिकल वंस या तो कोई एडहॉक क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, तो वो वहाँ पे स्टेटिस्टिक्स वो सब चीज़ें यूज कर रहा है. कि ज्योग्राफी की बात करो ना, कि अगर आप लोग साउथ इंडिया में अलग अलग रीजन में अलग अलग लोगों का फूड हैबिट है. ठीक है, इफ यू गो टू साउथ इंडिया, वहां पे वो लोग चपाती नहीं खाते हैं, वो लोग राइस ज्यादातर प्रेफर करते हैं. ठीक है, उसी तरह आप नॉर्थ इंडिया जाते हो तो वहां पर भी वही है. पंजाब वगैरह की साइड जाते हो तो वहां भी राइस ज्यादा खाते हैं लोग, चपाती व्हीट का चपाती कम खाते हैं वो लोग. ठीक है ना, तो वो ज्योग्राफिकली डिफाइन करना पड़ता है डेटाबेस को. चलो आगे. Accounting records generally take a short-term view of events and are confined to a year, while statistical analysis is more useful if a longer view is taken for the purpose.
ठीक है, अकाउंटिंग शॉर्ट टर्म व्यू होता है, शॉर्ट टर्म व्यू देता है, लेकिन स्टेटिस्टिक जो है वो लॉन्गर व्यू देता है, लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन करता है, ठीक है, कि आज की पॉपुलेशन इतनी है, आज की पॉपुलेशन इतनी है, और ये पर्टिकुलर स्पीड से अगर बढ़ेगी, पर्टिकुलर परसेंटेज स्पीड से हर साल बढ़ रही है पॉपुलेशन, तो अगले 5 साल में कितना फूड ग्रेन्स चाहिए रहेगा, वो स्टेटिस्टिक्स का डेटाबेस बता सकता है, ठीक है। अकाउंटिंग आपको बता सकता है कि आज की डेट पे कितने लोग हैं, कितना सोसाइटी में पीपल है और कितना उनका फूड रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर का वो डिफाइन नहीं कर सकता है, वो स्टेटिस्टिक्स हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल टू फिट द ट्रेंड लाइन लॉन्गर पीरियड विल बी रिक्वायर्ड, हाउएवर स्टेटिस्टिकल मेथड डू यूज पास्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। तो कंसिस्टेंट बेसिस पे पास्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो तैयार किया गया तो उसको स्टेटिस्टिक्स यूज करता है। द फंक्शनल रिलेशनशिप शोइंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ वन वेरिएबल विथ वन और मोर अदर वेरिएबल्स आर बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिकल वर्क। दीज रिलेशंस आर यूज्ड वाइडली इन मेकिंग कॉस्ट और प्राइस एस्टिमेट्स फॉर सम एस्टिमेटेड फ्यूचर वैल्यूज असाइंड टू द गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल गिवन द फंक्शनल रिलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट टू द प्राइस ऑफ द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फ्यूचर प्राइस ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। In accounting, a number of financial and other ratios are based on statistical methods, which help in averaging them over a period of time. Several accounting and financial calculations are based on statistical formula. ठीक है ना, काफी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल कैलकुलेशन जो है वो स्टेटिस्टिकल फॉर्मूला पे डिपेंडेंट होते हैं। स्टेटिस्टिकल मेथड्स आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग अकाउंटिंग डेटा एंड इन देयर इंटरप्रिटेशन। जो अपना एनालिसिस वाला पार्ट था, एनालिसिस एंड इंटरप्रेट वाला, उसमें काफी बार अपन ये बिजनेसमैन जो है ना वो स्टेटिस्टिक्स का फॉर्मूला यूज करता है कि फ्यूचर में ट्रेंड क्या रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन ऑफ अकाउंटिंग डेटा इज बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स। नाउअडेज मल्टीपल डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस इज पॉपुलरली यूज्ड टू आइडेंटिफाई सिम्पटम्स ऑफ सिकनेस ऑफ अ बिजनेस फॉर्म। देयरफॉर द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल मेथड्स वुड एड एक्स्ट्रा एज टू द अकाउंटिंग डेटा। ठीक है ना, तो एक स्टेटिस्टिक्स भी आदमी जानता है, अकाउंटिंग भी आदमी जानता है, तो अकाउंटिंग से उसको पता चल जाएगा कि डेटा भी करंट पोजीशन क्या है, लेकिन एनालिसिस पार्ट में काफी जगह पे स्टेटिस्टिक्स का फॉर्मूला वगैरह यूज करेगा बिजनेसमैन, तो डेफिनेटली वो उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका इंटरप्रिटेशन आएगा, वो बहुत ही एक्यूरेट आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स। डबल एंट्री बुक कीपिंग कैन बी कन्वर्टेड इन एल्जेब्रिक फॉर्म। इन फैक्ट द फर्स्ट नॉन बुक on this subject was part of a treatise on algebra. ठीक है, the fundamental accounting equation which will be discussed detailed in dual aspect concept in this of this chapter. तो डबल एंट्री सिस्टम जो है ना वो कैन बी कन्वर्टेड इंटू algebraic form. एक्चुअली पहले algebra से ही डबल एंट्री सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, और उसको dual aspect को हम लोग जो है उसका एक chapter है पूरा का पूरा, वहां पर ज्यादा detail में सीखेंगे। Knowledge of arithmetic and algebra is a prerequisite for accounting computation and measurements. Calculation of interest and annuity are examples of such fundamental uses. While computing depreciation, finding out installments in higher purchase and installment payment transactions, calculating depreciation, calculating amount to be set aside for repayment of loan, repayment of assets and calculating lease rentals, mathematical techniques are frequently used. Accounting data are also presented in ratio form. देखो रेशियोज वगैरह जो होता है ना वो मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, अगर किसी आदमी हायर परचेज से लोन के बेस पे, लोन के ऊपर कोई एसेट्स खरीदा हुआ है तो उस लोन का इंस्टॉलमेंट कितना आएगा। ठीक है, उसका इंस्टॉलमेंट का पेमेंट में इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, अब एसेट्स खरीदी है, जब आपने एसेट्स खरीदा है ठीक है ना, तो उसमें डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट्स की वैल्यू में, जैसे ही एसेट्स खरीदते हैं उसका यूज होता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हालांकि डेप्रिसिएशन के ऊपर बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो चैप्टर जब हम पढ़ेंगे वहां पर डिटेल में सीखेंगे, लेकिन सिंपल इतना समझते हैं कभी भी कोई चीज को, कोई भी फिजिकल थिंग है उसका यूज चालू हो जाता है तो उसका वैल्यू डे बाय डे कम होता जाता है। ठीक है ना, तो जैसे ही एसेट्स खरीदा है तो उसका डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करना होता है, तो वो यहाँ पर मैथमेटिक्स आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट, विद द एडवेंट ऑफ द कंप्यूटर मैथमेटिक्स इज बिकमिंग अ वाइटल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अकाउंट्स इन ट्रेडिशनल फैशन, द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स कैन बी रिकॉर्डेड इन द मैट्रिक्स फॉर्म एंड द रूल्स ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा कैन बी अप्लाइड फॉर क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग डेटा। आज कंप्यूटर के जमाने में हर चीज सॉफ्टवेयर से काम होता है, ठीक है ना। बिजनेसमैन के पास सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर में वो अकाउंटिंग वगैरह करता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में टैली करके जो सॉफ्टवेयर है, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है,
ठीक है, तो उसमें लोग अकाउंटिंग अपना करते हैं। अब ये टेली का सॉफ्टवेयर जो यूज़ करते हैं ना, तो उसमें उन लोगों ने मैथमेटिक्स के मैट्रिक्स वगैरह के जो फॉर्मूला रहता है, अलजेब्रे के फॉर्मूला रहता है, वो पहले से डाल के रखा हुआ है। तो होता क्या है ना कि आप एक एंट्री पास करते हो, आप एक एंट्री पास करते हो और आपका फाइनल अकाउंट तैयार हो जाता है। मतलब जर्नल एंट्री पास किया ना, जैसे ही आपने जर्नल एंट्री पास किया तो उसके साइड बाई साइड आपका लेजर तैयार हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस तैयार हो जाएगा, आपका फाइनल अकाउंट तैयार हो जाएगा, प्लस रेशियो भी तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर चीज एक साथ तैयार हो जाती है, एनालिसिस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। Nowadays, statistics and econometrics models are largely used for developing decision models for the users of accounts. Also, operation research techniques provide lot of decision models. Operation research करके एक particular subject है पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे mathematics एक subject है, economics subject है, statistics subject है, इसी तरह operation research करके एक subject है। ऑपरेशन रिसर्च वो मैंने एक बार पिछले एक लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे ऑफिस जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते अवेलेबल है, ठीक है ना। एक रास्ता है बहुत लंबा रास्ता है लेकिन अच्छा रास्ता है, ठीक है ना। ओके, दूसरा है शॉर्टकट है लेकिन थोड़ा रास्ता अच्छा नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, ठीक है ना। तो मैं कौन सा रास्ता चूज करूंगा भाई, जहां से मैं जल्दी पहुंच पाऊंगा वो वाला, ठीक है। अब ये बहुत ही रॉ एग्जांपल है, लेकिन इमेजिन करो कि एक स्कूल बस है, एक स्कूल बस है बच्चों को पिकअप करके, बच्चों को हर घर से पिकअप करके स्कूल में लेके आती है, तो उसको कौन सा रास्ता चूज करना पड़ेगा। तो वो डेटाबेस के बेस पे एनालाइज करेगा कि भाई कौन से एरिया में ट्रैफिक रहता है, कौन से एरिया में ट्रैफिक नहीं रहता है, कौन से एरिया में ज्यादा बच्चे हैं, कौन से एरिया में ज्यादा कम बच्चे हैं, ठीक है ना। और उसके हिसाब से कौन से एरिया में कौन से टाइम पे ट्रैफिक ज्यादा रहता है, ठीक है। तो वो टाइमिंग जो रहता है, वो पूरा का पूरा टाइमिंग जो होता है उसको एनालाइज करेगा, ठीक है। तो ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक पे वहां पे उनको परफेक्ट आइडिया मिल सकता है कि ओके, दिस इज द बेस्ट रूट, दिस इज द बेस्ट टाइमिंग, ठीक है ना, कि वो टाइमिंग पे ये रूट से निकलोगे तुम तो कम से कम टाइम में बच्चों को आराम से स्कूल में पहुंचा सकते हो। तो वो चीज ऑपरेशन रिसर्च की अलग अलग चैप्टर्स है जहां पे आपको सीखने को मिलता है, ठीक है। सिंस आगे पढ़े, सिंस अकाउंटिंग इज मीन फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स टू बी इफेक्टिव, अकाउंटिंग डेटा शुड फीड द इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ सच स्टेटिस्टिकल इकोनॉमिक एंड ऑपरेशन रिसर्च मॉडल, ठीक है। तो अकाउंटिंग का डेटा आपको स्टेटिस्टिक्स में यूज करेगा, इकोनॉमिक्स में यूज करेगा, ऑपरेशन रिसर्च में भी यूज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स हैज बिकम मस्ट टू ग्रास्प द डिसीजन मॉडल्स फ्रेम बाय स्टेटिस्टिशियन इकोनॉमिक्स एंड द ओआर एक्सपर्ट। तो मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करना ये सब लोगों के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। प्रेजेंटली ग्राफ्स एंड चार्ट्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर used for communicating accounting information. In addition to statistical knowledge, knowledge in the geometry and trigonometry seems to be essential to have a better understanding about accounting communication system. So यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, ट्रिगोनोमेट्री भी आना चाहिए, ज्योमेट्री भी आना चाहिए, हाँ स्टेटिस्टिकल नॉलेज होना चाहिए, ये सब नॉलेज एक साथ इकट्ठा हो जाता है। ये सब नॉलेज जब एक साथ इकट्ठा हो जाता है ना, तब जाके डिसीजन मेकिंग पावरफुल होता है। तो जब भी आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो या इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, ठीक है ना, तो उस टाइम पे ये मत बोलना कि ये चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हैं अपने को, कॉमर्स में आके मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हो अपन, ठीक है। जरूरी है, लॉन्ग टर्म में जरूरी है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना सीख लोगे, जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना सीख लोगे तो सोसाइटी में बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आ सकते हैं और आप भी आराम से प्रॉस्पर करोगे। नेक्स्ट, अकाउंटिंग एंड लॉ। अब लॉ के साथ अकाउंटिंग का क्या रिलेशन है। एन इकोनॉमिक एंटिटी ऑपरेट्स विद इन लीगल एनवायरमेंट। देखो हर कंपनी को, हर इंसान को कुछ ना कुछ लीगल वे पे, लीगल एनवायरमेंट में उसको ओबे करना है, उसको सेटिस्फाई करना है। क्योंकि देखो एक्ट का बेसिक, कोई भी एक्ट बनता है ना, कोई भी एक्ट, उसका बेसिक पर्पज होता है टू इरेडिकेट द, टू एलिमिनेट द मिसचीव डन बाय द पीपल, कॉमन पीपल को। देखो नॉर्मली अगर पब्लिक को बता दिया कि भाई जब ट्रैफिक रूल्स क्या बोलता है कि भाई रेड लाइट होती है ना तो आपको अपना गाड़ी से ट्रैफिक सिग्नल पे रोक देना है, ठीक है। येलो लाइट होता है तो गाड़ी को स्लो कर देना है, और ग्रीन लाइट होता है तो आप जा सकते हो, ठीक है। अब हर आदमी अगर वो रूल को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है तो पुलिसमैन की जरूरत नहीं है। रूल रेगुलेशन जो मेंटेन करने के लिए पुलिसमैन रखे गए हैं उनकी जरूरत नहीं होती। लेकिन क्या होता है ना, पीपल आर लाइक हैबिट ऑफ डूइंग मिस्चिफ। तो ये जो मिस्चिफ वाला पार्ट है ना, उसको एलिमिनेट करने के लिए एक्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो कोई भी एक्ट बनता है तो उसमें फर्स्ट सेक्शन नंबर वन जो है ना, वो बताता है कि क्यों ये एक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, वो लीगल फ्रेमवर्क में हो रहा है। कोई फैक्ट्री स्टार्ट किया, ठीक है ना, तो बिजनेसमैन अपने फायदे के लिए, सोसाइटी में पॉल्यूशन हो रहा है तो होने देगा, ठीक है ना। एम्प्लॉय का एक्सप्लोइटेशन करेगा, गुड्स का क्वालिटी अच्छा नहीं देगा, ठीक है ना।
तो ये सब चीज़ों को चेक करना पड़ता है। कोई से फॉर एग्जांपल कोई व्हीकल का कंपनी है और वो व्हीकल बनाते वक्त ऐसा व्हीकल बनाता है जो जिसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, ठीक है, और हाईवे पे गाड़ी जा रही है और अचानक उसके गुड ब्लू टुकड़े हो गए, ठीक है ना, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं था, तो अब इमेजिन करो उससे कितना बड़ा लॉस होगा, जो लोग उसमें ट्रैवल कर रहे हैं उनको उनको वो एक्सीडेंट में क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो उसमें लीगल 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 पार्ट जो है वो हेल्प करता है कि गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बना के रख दिया कि बॉस ये टाइप का क्वालिटी होना ही चाहिए, तभी आपका गाड़ी हम लोग पास करेंगे, तभी आपको आरटीओ पासिंग मिलेगा, अदरवाइज आपको गवर्नमेंट का पासिंग नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट, ऑल ट्रांजेक्शन्स विद सप्लायर्स एंड कस्टमर्स आर गवर्न्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एक्सेट्रा। द एंटिटी इटसेल्फ इज क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाय लॉज। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय द कंपनीज एक्ट एंड ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द कंपनीज। कंपनी जो क्रिएट की गई है ना वो कंपनीज एक्ट एक के तहत की गई क्रिएशन, और वो कंट्रोल भी कंपनीज एक्ट के तहत होता है, ठीक है, दोनों चीजें, क्रिएट भी कंपनीज एक्ट, कंपनी चालू करना है तो कंपनीज एक्ट में क्रिएट करना है और उसको कंट्रोल भी कंपनीज एक्ट करता है। सिमिलरली एवरी कंट्री हैज अ सेट ऑफ इकोनॉमिक फिजिकल एंड लेबर लॉ, इकोनॉमिक लॉ होगा, फिजिकल लॉ होगा एंड लेबर लॉ होगा, ठीक है। तो ये ग्रेजुअली ये जो टर्म है ना टेक्निकल टर्म, आप जैसे जैसे आगे आगे पढ़ाई करते जाओगे अपने आप समझोगे, ठीक है ना। द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर ऑलवेज गाइडेड बाय लॉज ऑफ द लैंड, जो भी ट्रांजेक्शन होता है ना वो लोकल लैंड लॉ जो होता है ना, जहाँ पर आप रह रहे हो इंडिया में रहते हो तो इंडिया का लॉ फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप यूएस जाते हो तो यूएस का लॉ फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। वेरी ऑफन द अकाउंटिंग सिस्टम टू बी फॉलोड हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, फॉर एग्जाम्पल द कंपनीज एक्ट हैज प्रिस्क्राइब्ड द फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंपनीज। बैंकिंग इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग्स मे ऑल्सो हैव टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज प्रिस्क्राइब बाय द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेशंस कंट्रोलिंग सच एंटिटीज, ठीक है। कंपनी सेक्ट कंपनी होती है उसको कंपनी सेक्ट फॉलो करना है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो उनको उसके रिस्पेक्टिव लॉ है उसके बेसिस पे अकाउंटिंग लिखना है। हाउएवर लीगल प्रिस्क्रिप्शन अबाउट द अकाउंटिंग सिस्टम इज द प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग नॉलेज, दैट इज टू से लेजिस्लेशन अबाउट अकाउंटिंग सिस्टम कैन नॉट बी एनेक्टेड अनलेस देर इज अ करस्पॉन्डिंग डेवलपमेंट इन द अकाउंटिंग डिसिप्लिन, इन दैट वे अकाउंटिंग इन्फ्लुएंस इज लो एंड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई लो। देखो अब कैसा है कि ये डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, तो टाइम टाइम के साथ में उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, उसको यहाँ पे अपन जो अपनी पढ़ाई चल रही है वहाँ पे अपन उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट, कि अमेंडमेंट हुआ, चेंज हुआ है, या अब से ये ऐसे करना है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स पर्टिकुलर एरिया का एंट्री, पर्टिकुलर एरिया का कैलकुलेशन ऐसे करना है, ठीक है। तो वो लॉ में बता दिया गया और अकाउंटिंग में हमें उसको अप्लाई करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ ब्रॉड ऑक्यूपेशनल फील्ड विच कंप्राइजेस मैनी फंक्शंस एंड एनकंप्लाइंसेस एप्लीकेशन ऑफ मैनी डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग दोज मेंशन्ड अबव। अकाउंटेंट्स आर वेल प्लेस्ड इन द मैनेजमेंट एंड प्ले अ की रोल इन द मैनेजमेंट टीम। अ लार्ज पोर्शन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। लार्ज पोर्शन ऑफ अकाउंटिंग जो होता है ना वो सिर्फ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए ही होता है। ऑल्दो मैनेजमेंट रिलाइज ऑन अदर डेटा सोर्स।